गुड इवनिंग लर्नर्स, वेलकम टू शिक्षा शास्त्र। लर्नर्स, ओडिशा रेगुलर हाई स्कूल टीचर मेन्स एग्जाम पाई पेडागोजी मॉक टेस्ट गोटे सीरीज आम करूँ जो थे मुझे एकोस्टा सीरीज कंप्लीट कर सारी। एटा सीरीज नंबर 22 बा 22 जो थे आम आहरी 20टा क्वेश्चन डिस्कसन और तार एक्सटेनसन करवा बिले आउ गोटे मॉक टेस्ट पर 23 नंबर मॉक टेस्ट पर आम किसी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन को ट्राए करवा सल्व करने जोटा कि आप परीक्षार भी बारंबार आसूँ। ठीक है पिले, क्वेश्चन नंबर 1, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इन द लर्निंग प्रोसेस बिलीव्स शिक्षण प्रक्रिय मानववादी जो उपागम रहा से क्या उपर विश्वास करे। आंसर दे पिले, ये आपंकर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। एभलिया क्वेश्चन आम गोटे पे डिस्कसन करते जो थे मुझे जमी आप जानते हैं कार्ल रोजर्स मेनसन कर गोटे काउनसेलींग टाइप को कौ काउनसेलींग टाइप पे ना पर्सन सेंटर्ड काउनसेलींग क्लाएंट सेंटर्ड काउनसेलींग तो अप्रोच भी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इंडिविजुआल यूनिकनेस को बेस इंपोर्टेंस तो अप्रोच को क्या जाए चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच गोटे लर्नर सेंटर्ड अप्रोच जो थे से पॉइंट आउट कर ह्यूमन्स आर फ्री विल ऑल ह्यूमन्स इवन आर यूनिक आउ इंडिविजुअल को फ्रीडम देवा दरकार अपॉर्चुनिटी देवा दरकार मोटे वार्ड आपको कही कि आइडियोग्राफी पर बेस इंपोर्टेंस दबा नुहे कि नोमोथेटिक से कहते कि कॉग्निटिव आउ अफेक्टिव लर्निंग बोथ एसेंशियल ह्यूमनिस्टिक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू रु किसी आहरी कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे जोटा कि आप देखनी लर्नर सेंटेड तो मुझे डिस्कसन कली लर्नर डेवलपमेंट उपर मैंने गुरुत्व आरोप करती लर्निंग से स्टूडेंट सेंटेड हवा दरकार पढ़ा समय एक्सपेरिमेंटेशन आउ डिस्कवरी को बेस गुरुत्व आरोप करवा उचित इंट्रेंजिक मोटिवेशन पिला प्रोवाइड करवा उचित बा इंटरनल मोटिवेशन रादर दैन एक्सट्रेंजिक और एक्सटर्नाल मोटिवेशन टीचर गोटे भल रोल मॉडल हवा दरकार और पिला मोटिवेट कर दरकार पे भल ऑब्जर्वेंट हवा दरकार सहित पे एनवायरमेंट को भलसे एक्सप्लोर कर दरकार एवं तांको भीतर नेचुरल डिजायर शिक्षण पे सृष्टि होतिया दरकार। ये जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक रहला एटा आपनकर ह्यूमनिज्म अप्रोच रो एगुडा ट्राई करंतु टिके टिके मन रखिबा पई। ठीक है बले, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच सजेस्ट दैट डैश इज क्रुशियल फॉर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। आपनकर जो संगठनवादी उपागम रहला से कोन आपनकु सजेस्ट करूची जे आदुर को स्टेटमेंट आपनकु लागुची मोस्ट इंपोर्टेंट बा बहुत ही क्रुशियल आम नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने ज्ञान को संगठन करने कंस्ट्रक्टिविज्म उपागम अनुसार संगठनवादी व रचनावादी उपागम अनुसार कौटा गोटे इम्पोर्टेंट पॉइंट एट आपंकर पिले ऑप्शन 1 प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर कि लर्नर जो पूर्व ज्ञान रहा तापर कंस्ट्रक्टिविज्म मैंने बेस इंपोर्टेंस देते आप जब सब लेसन प्लानिंग पिले देखिए आप पियाजेट कथा भी जानते बहुत बार आम डिस्कसन करे सहित जो सब लेसन प्लानिंग आप देखते कंस्ट्रक्टिविज्म को फॉलो कर बना जाए आपंकर आइकन मॉडल हो इंटरप्रिटेशन कंस्ट्रक्शन मॉडल हो कि 5P हो से प्रथम आप देखिए पिला अपॉर्चुनिटी दि जाए ओपरेंडेड डिस्कवरी अर्थात पिला पूर्वाचित ज्ञान परीक्षा कराए प्रारंभिक प्रश्नवली पचरा जाए पिला एनगेज कराए तो से आम कौन सब पिला प्रायर नॉलेज को इंपोर्टेंस दबा जहाँ थ्रो पिला नॉलेज को कंस्ट्रक्शन करें स्टेजेस आप देखते जो स्कीमार आम कौचे गठन आसिमिलेट कर आकोमोडेट कर इक्विलिब्रियम बैलेंस मेंटेन कर सो प्रत्येक स्टेज बा प्रत्येक स्तर में पियाजेट हूँ कि कंस्ट्रक्टिविज्म साइकोलॉजिस्ट मैंने रही है आपंकर नॉलेज कंस्ट्रक्शन में प्रायर नॉलेज बा प्रीवियस नॉलेज को इम्पोर्टेंस देते। क्वेश्चन नंबर 3 प्ले, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी फॉर टीचिंग एंड लर्निंग आदर कौटा आपको लगुच पिला कि शिक्षादान और शिक्षण निम्ते गोटे फलप्रद कौशल नुहे। आंसर पिले, ये आप ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, फोकसिंग ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज आज गिवेन। पहले मुझे आपको बारंबार कही जेहेतु आम 21st सेंचुरी कथ कहे आम कंस्ट्रक्टिविज्म कथ कहे चाइल्ड सेंटर्ड कथ कहे से ही समय आम मेमोराइजेशन रिटेनसन रिकलींग रिप्रडक्शन यहीभिया कंटेन्ट्रु या फैक्ट्रु सब दूरे रहा स्टेटमेंट रु तो ये आपंकर यहाँ हम ना फोकसींग अन् रिप्रडक्शन अफ नलेज जहाँ आप पढ़ी केवल स्मरण कर रिप्रडक्शन करेंगे सहीटा आप गोटे आप्रोप्रिएट स्ट्राटेजी नुहे टीचिंग लर्निंग तो ये तीन टा रहा ये गोटे गोटे आप भल स्ट्राटेजी कि एनकरेजिंग चिल्ड्रेन टू मेक इंट्यूटिव गेसेस
एक्सपेरिमेंटेशन एक्सप्लोरेशन डायलॉग डिस्कशन क्वेश्चन नंबर फोर पिले एन एग्जांपल ऑफ इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज फलप्रद समस्या समाधान कौशल गोटे भल उदाहरण आधर कौटा पिले आंसर दे पिले एटी आपन को पिले ऑप्शन फोर इज द करेक्ट आंसर मीन्स एंड एनालिसिस डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इनटू नंबर ऑफ सब गोल्स पिले प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी कथा आम पूर्व क्लास में आपको भी डिस्कशन करूँगी गोटे क्वेश्चन आसी कि यहाँ कौ भाया गोटे आप्रोच यहाँ गोटे लर्न सेंटर्ड आप्रोच जो थे टीचर कौन कै गोटे प्रोब्लेमेटिक सिचुएशन टे क्रिएट करे और पिलामानंक अपॉर्चुनिटी दिए पिलामाने एक्टिव एंगेजमेंट माध्यम रे प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन करिया को ट्राई करते टीचर पिलामानंक असिस्ट करे जेहेतु यहाँ पिला निजे विभिन्न एक्टिविटीज थ्रू रे पिला विभिन्न निजे इनिशिएटिव थ्रू रे प्रॉब्लम को सॉल्व करुछि एटा गोटे प्रिंसिपल को फॉलो करुच्छी जोटा आम कहे लर्निंग बाय वर्किंग और लर्निंग बाय डूइंग प्रिंसिपल को एवं पिला कौन करे जो गोल्स दि जाए जो प्रोब्लेम दि जाए छोट छोट भाग भाग कर ट्राए कै सल्यूशन करने तेणुकर आपंकर दृष्टिकोण ऑप्शन फोर इज द करेक्ट आंसर डिवाइडिंग द प्रोब्लेम इन टू नंबर अफ सब गोल्स ताथ्रु आम इजिली आउ स्पीडली ट्राए कर प्रोब्लेम को सल्यूशन करने क्वेश्चन नंबर फाइव पिले A teacher can address needs of a specially able learners in an inclusive classroom by पिले आपन टीचर आपन गोटे इनक्लूसीव क्लासरूम भितर अछंती अंतर्निवेशी श्रेणीगृह आम कहे से किसी स्पेशियाल पिला अच्छा आड्रेस करने नीड को फुलफिल करने आप कौन करेंगे गोटे इनक्लूसीव क्लासरूम जो स्पेशियाल पिला अच्छा आड्रेस करने गोटे टीचर कौन कर पिले ऑप्शन फोर आप करेक्ट आंसर डेवलपिंग स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ ईच स्टूडेंट्स लर्निंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस प्रत्येक पिलांकर कौन लर्निंग स्ट्रेंथ अच्छी वीकनेसेस अच्छी एनालिसिस कला स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव से गुडा को फुलफिल करने स्ट्रेंथ वीकनेसेस अनुसार ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने आम कौन करवा स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बनई पारा पिले सब मन रखिथे इनक्लूसीव क्लासरूम पचारा मैंने आपन कौन करेंगे बेसिक फंडा आपंकर कौन ना इंडिविजुअल नीड्स को फुलफिलमेंट उपर आम अधिक गुरुत्व दबा कारण जेहेतु से स्पेशलाइज लर्नर अच्छे आम गोटे पूर्व क्लास में आपको गोटे कही मन पकातु इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान आम करवा कारण इंडिविजुअल नीड्स जो रहा आमको फुलफिल करार अच्छे पिले आहरी कौन कौन सब इनक्लूसीव क्लासरूम कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कशन करते कि सर आम डाइवर्सिटी को आक्सेप्ट करवा क्लासरूमटा हेट्रोजेनिटी को आम आक्सेप्ट करवा अल् कैटेगोरी अफ लर्नर को आम इनक्लूड करवा प्योर आक्सेप्टेंस को आम बढ़ेगा प्योर रिजेक्शन को आम ग्रहण करवा ना प्योर आक्सेप्टेंस को बढ़ेगा प्योर मानक आम एम्पाथी प्रोभाइड करवा टीचर समस्त को आक्सेप्ट कर इंडिविजुआल नीड्स को गुरुत्वारोप कर अपॉर्चुनिटी समस्त को दब इक्वल अपॉर्चुनिटी तेणुक आपंकर आंसर पिले कौन हम ऑप्शन फोर आपंकर करेक्ट आंसर और अन्य जो कैरेक्टरिस्टिक्स गुड़ा मुझे आपको कहली इनक्लूसीव क्लासरूम टी से मन रखिथे से भी क्वेश्चन आपंकर आसुच्छे क्वेश्चन नंबर सिक्स पिले ए स्टूडेंट शोज द फॉलोइंग साइंस इन द क्लासरूम गोटे पिला आप क्लासरूम पढ़ाऊँगी ये साइंस गुड़ा शो करमी एंजाइटी अराउंड रीडिंग पढ़ला बेल एंजाइटी आसूसी डिफिकल्टी इन रिकग्नाइजिंग वर्ड्स और लेटर्स किसी वर्ड लिखाई लेटर्स लिखाई से रिकग्नाइज कर पुअर वोकाबुलरी स्किल्स डिफिकल्टी विथ अंडरस्टैंडिंग और रिमेम्बरिंग व्हाट वाज रीड जहाँ पढ़ी से रिमेम्बर कर इंडिकेशन ऑफ एटा कहार इंडिकेशन आंसर दे पिले एटा आपंकर ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट आंसर ए स्टूडेंट विथ लर्निंग डिजेबिलिटी पिले जन भल से पढ़ी पारुनी तो लेटर्स गुड़ाक आइडेंटिफाई कर प्रोब्लेम होफिकल्टी होकाबुलरी स्किल तरह बहुत ही पुअर अच्छी जहाँ पढ़ी मन रखी पारे यहाँ लर्निंग रिलेटेड रीडिंग रिलेटेड आम कहे रीडिंग कौन हम आपने जी गोटे लर्निंग टाइप अफ लर्निंग डिजेबिलिटी तो ये आम आंसर कौन ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सेवेन पिले लेव भाइगोट्स्की रेफर्स टू द वर्बल डायलॉग्स दैट चिल्ड्रेन हैव विथ देमसेल्फ पिले भाइगोट्स जो तीन टा प्रकार स्पीच कथा कहते मन पकातु कौन कौन आपणकर सोशल स्पीच प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच जो स्पीच रे भाइगोट्स कहते आपण निज सहित डायलॉग करज सहित कथा होमें कौन कहे आंसर दे पिले ये आपंकर ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर प्राइवेट स्पीच पिले प्राइवेट स्पीच को मुझे कही मन रखा कौन ना इट इज वन टाइप अफ इंटरनाल कम्युनिकेशन दैट पर्सन डायरेक्ट टू देमसेल्फ निजक डायरेक्ट करने निजक आगक बढ़ाई
पर्सन ए टाइप ऑफ स्पीच को यूज करे प्राइवेट स्पीच को। आउ गोटे क्वेश्चन पड़ी कि सेल्फ गाइडेंस आउ सेल्फ रेगुलेशन पर्सन जो स्पीच को यूज करे कौन कह जाए सेटा भी आपन गोटे टाइप ऑफ प्राइवेट स्पीच फॉर सेल्फ गाइडेंस एंड सेल्फ रेगुलेशन। तो ये आपसर पे कौन ना ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर से एट पे असेसमेंट गोटे क्वेश्चन असेसमेंट असेसमेंट कौन को डिफाइन कर पे कमी हवा दरकार आंसर दियो। एटा ऑप्शन टू आपनकर करेक्ट आंसर असेसमेंट शुड बी ए पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। एटा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे इंटीग्रेटेड हवा दरकार एटा आपनकर एनसीएफ 2005 रे भी मेंशन करा जायसी। क्वेश्चन नंबर 9 पिले इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम लर्निंग इज गोटे संगठनवादी फ्रेम अनुसार लर्निंगटा कोभली हवा उचित। एटा बहुत ही सिंपल समस्त भी यार आंसर कहीपर पिले एटा आपनकर ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर एक्टिव एंड सोशल इन इट्स कैरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 10 पिले यूज ऑफ मेथड्स व्हेयर लर्नर्स ओन इनिशिएटिव एंड एफर्ट्स आर इनवॉल्व इज एन एग्जांपल ऑफ एमती गोटे मेथड जो थे लर्नर रो निजर इनिशिएटिव थाए निजर एफर्टा इनवॉल्वमेंट थाए ताको मैं कौन कहूचे ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर लर्नर सेंटर्ड मेथड। पिले एटा लर्नर सेंटर्ड मेथड एटा गोटे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिले किंतु ये मन रखी लर्नर सेंटर्ड गोटे मेथड नुह लर्नर सेंटर्ड सब अप्रोच ठीक है ये मेथड्स ना कि गोटे अप्रोच हम लर्नर सेंटर्ड अप्रोच लर्नर सेंटर्ड अप्रोच भितर सीना बहुत सारा मेथड आसो आप प्रोब्लेम सल्विंग मेथड कहे प्रोजेक्ट मेथड कहे एगुटा सब गोटे मेथड किंतु लर्नर सेंटर्ड टीचर सेंटर्ड लर्निंग सेंटर्ड ये सब गोटे गोटे अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 11 पिले हुज द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ अ फॉर्मेटिव वैल्यूएशन आदर कोटा आपनकर फॉर्मेटिव वैल्यूएशन रे गोटे वैशिष्ट्य पिले फॉर्मेटिव वैल्यूएशन बा टाइप ऑफ वैल्यूएशन रु क्वेश्चन पढियो माने मोर पिला कोनोसी क्वेश्चन भूल करिवेनी आको हम एत्ते रिवाइज कर देइछु जे फॉर्मेटिव वैल्यूएशन रु प्रश्न आसे माने मो पिला देखु देखु आंसर देबे आंसर कोन हो पिले ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर इवैल्यूएशन हैपेंस साइमल्टेनियसली विथ टीचिंग कारण आमे कहूचे ना एटा होछि गोटे प्रोसेस टाइप ऑफ इवैल्यूएशन चली थी ऑनगोइंग इवैल्यूएशन पाठ पढ़ा चली थी इवैल्यूएशन भी कंटिन्यूअसली भाव में चली थी केतेटा टर्म कही मन रखापे ना फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हो गए प्रोसेस एंड प्रोग्रेस ओरिएंटेड इवैल्यूएशन पिलांकर केते इंप्रूवमेंट है आम देखा ट्राए करुचे आम कंटिन्यूअसली पिला फीडबैक प्रोवाइड करुचे टीचर को भी फीडबैक प्रोवाइड करुचे पिलार टीचिंगटा के दूर चली मॉनिटर करुचे ठीक है इंप्रूवमेंट ओरिएंटेड मॉनिटर ओरिएंटेड प्रोग्रेस ओरिएंटेड प्रोसेस ओरिएंटेड फीडबैक ओरिएंटेड एटा आपनकर फॉर्मेटिव वैल्यूएशन। क्वेश्चन नंबर 12 पिले द मेजर प्रोपोजिशन ऑफ जीन पियाजेट्स थ्योरी इज दैट आदर कोटा आपन को लागुची जीन पियाजेट कर थ्योरी रो गोटे मुख्य प्रस्ताव वा प्रोपोजिशन आंसर दे पिले एटा आपन को पिले कोन ना ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट्स एभिया क्वेश्चन आम गोटे ऑलरेडी करिचे पिले मु तुमको कही कि पियाजेट मतरे कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकर्स इन स्टेजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज वाइज गति करे एवं प्रत्येक स्टेज रे पिलामानंकर अलग अलग कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है अर्थात से माने क्वालिटेटिवली परस्पर ठारु भिन्न थांती जमीती कि कह गोटे 5 वर्षर पिला गोटे 12 वर्षर पिला से मधे कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिफरेंशिएशन आसीब ठीक है तेनालीरु आपंकर ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पिले हुज द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चिल्ड्रेन एंड देयर लर्निंग इज करेक्ट आदर कोटा आपंकर पिलांकर एवं तांक शिक्षण सहित जड़ित गोटे करेक्ट स्टेटमेंट आंसर पिले ये आपंकर ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर ऑल चिल्ड्रेन आर नेचुरली मोटिवेटेड टू लर्न एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग प्रत्येक पिला नेचुरली इंट्रिनिकली आम कह से शिक्षण प्रभावित हूँ अभिप्रेरित हूँ ता सहित से शिक्षण कैपेबल ऑफ लर्निंग आम कहीपर ठीक है पिले ये तीन टा देखा डिलेशन मेथड पिले काटिपारे जमीक चिल्ड्रेन्स मोटिवेशन टू लर्न एंड देयर कैपेसिटी टू कैपेबिलिटी टू लर्न इज प्री डिटरमाइंड बाय हेरिडिटी ओनली आप चिंता करूँ पिलार जो पढ़ापाई अभिप्रेरणा हो कैपेबिलिटी हो सेटा केवल
वंशानुगुण द्वारा स्थिरीकृत होता है ना परिवेश प्रभाव थाए परिवेश प्रभाव थाए से केवल तो हेरिडिटी ओनली तो से अनुसार यहाँ भी चाहिए आप काटिदेवे सेमती गुड़ा काटिपारे डिलेक्शन मेथड में जब आप कन्फ्यूजन आसिक ये हम कि ना क्वेश्चन नंबर 14 पिले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेस ए चाइल्ड इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज आधर कौटा आप गोटे प्री ऑपरेशनल स्टेज वैशिष्ट बोली लगुच आंसर दे पिले ऑप्शन 4 आपंकर करेक्ट आंसर इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट इरिवर्सिबिलिटी पिले कौन कि इनएबिलिटी टू रिवर्स से जो स्टेज दे जाइथिबो से पुणी ताकु से अनुसार रिटर्न करि परिबो नाही उडा कामे कहतले कि प्री ऑपरेशनल स्टेज ते तो तार इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट आसुची सेटा किंतु कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे से प्रॉपर रिवर्स करि पारे ठीक हैला रिवर्सिबिलिटी तार डेवलप हे जायथाय से भले एबिलिटी गोटे पिला भीतर क्वेश्चन नंबर 15 पिले अकॉर्डिंग टू लेव भाइगोट्स्की लर्निंग इज लेव भाइगोट्स्की को मतरे शिक्षणटा गोटे कौन पिले एटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन समस्त कर ना गोटे सोशल एक्टिविटी सामाजिक कार्य पिले क्वेश्चन नंबर 16 पिले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू आधर कोटा आपन को ट्रू बा ठीक बोली लागुच पिले टीएलएमएस टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स कैप्चर द अटेंशन ऑफ द लर्नर्स इन ए क्लासरूम जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स रहा जी आप तार यूज करेंगे से पिलामानंकर अटेंशन को ड्र कर ठीक है पिला पिला देखिए नुआ नुआ मटेरियल्स आप कौन यूज कले पिला निहाती अटेंटिव हो पारे क्लासरूम ये ठीक अच्छे टीएलएमएस ब्रिंग अबाउट ए टेम्पररी रिटेंशन ऑफ द इनफॉरमेशन पिले ये टेम्पररी रिटेंशन आने ना लॉन्गर टाइम पे रिटेंशन आने आपण खाली टीचर जहाँ पढ़े दूसरी शुणुंट टीचर गोटे आपको मटेरियल मध्यम शो कले देखले ग्लोब मध्यम देखले मैप मध्यम देखले चार्ट हो वीडियोस हो ऑडियोस हो चित्र हो थ्रू रे पिलार लॉन्गर टाइम पर्यंत रिटेंशन टा मेमोरी पावर टा बढ़े नुहे कि टेम्पररी रिटेंशन कम समय से भूली जीव तो यहाँ आप ठीक नुहे आईटा मोर एक नंबर केवल ठीक लगुच तो से अनुसार आप देखते ओनली वन इज ट्रू ए रे अच्छी तो आंसर कौन हम ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर पिले टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स बा टीएलएम रो किछि म आपन को कहि थिली टाइप्स कथा कहि थिली किछि तरह एडवांटेजेस भी पॉइंट आउट करि थिली गुडा मन रखिथिए परीक्षा रे बारंबार आसुचि टीएलएम रो पिले एडवांटेजेस आउ कोन हे परिबो जेमदि गोटि आपन आले पिला को अटेंटिव कराए सर पिले माने भलो से एंगेज होंती पिले एक्टिवली पार्टिसिपेशन करंती कारण ये आक्ट पार्टिसिपेसन पिला एनकरेज कर पिला जहाँ पढ़ले लंगर टाइम पर्यटन रिटेनसन कर रखिपारे मेमोरी रे पिला पाठ पढ़ापी आहरी आग्रह बढ़ो से लेसन इंटरेस्टिंग आम कहे आउ कौन ना पाठ को सी सहजे बुझीपारे ठीक है इजी टू लर्न इंटरेस्टेड टू लर्न एनकरेज टू आक्ट पार्टिसिपेसन लंगर रिटेनसन अफ द कंटेन्ट एगोटे बेसिक तरह आडभांटेजेस टाइप्स गुड़ाक मन रखिथे जो विजुअल एड्स कही किसी आपको ऑडियो एड्स कही ऑडियो विजुअल एड्स कही प्रोजेक्टेड आउ नॉन प्रोजेक्टेड एड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट जहाँ कौट आपको लगुच गोटे ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आंसर दे पिले ऑप्शन सी आपको पिले करेक्ट आंसर ट्रू फॉल्स टाइप आपन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट रो कैटेगराइजेशन करी कहितली जो रिकॉग्निशन टाइप रहला ता अंडर तीन टा आपन आसुची एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ट्रू फॉल्स आपन कर ठीक हैला उठला मैचिंग टाइप ए तीन टा मेजर एस्पेक्ट आपन आसुला रिकॉग्निशन टाइप जोटा कि ऑब्जेक्टिव टाइप अंडर रे ठीक हैला देखिले एटा आपन देखि परिवे एटा क्लिक मन रखि दियो माइंड रे पूरा एटा को नक्शा भलिया मन रखंतु एतर आपन क्वेश्चन आसुची ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ताको सप्लाई बा कंप्लीशन कही परिबे दीटा कैटेगरी ता अंडर आपन आसला कोन वन सेंटेंस रे जोडा आंसर आपन दोचोंदी वन वर्ड आंसर एवं फिल इन द ब्लैंक्स जोडा कमे कंप्लीशन भी कहूचे आ आपन कर रिकॉग्निशन टाइप बा सिलेक्शन टाइप ता अंडर आपन कोन आसला जो तीनटा कहिलेबे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैचिंग आउटला ट्रू एंड फॉल्स एमएमटी सेमिति एसे टाइप ऑफ जो रहला टेस्ट ताको मे दीटा कैटेगरी करू गोटाला एक्सटेंडेड टाइप आउटला रिस्ट्रिक्टेड टाइप एक्सटेंडेड टाइप रे जोटा कि आपन को ओपन एंडेड क्वेश्चन गुडा जोड़ा थी आ रेस्ट्रिक्टेड आपको रेस्ट्रिक्शन दे दी थी कि पांचटा व्यवहार लिख दुईटा व्यवहार लिख शहेटा शब्द भितर लिख ठीक है क्वेश्चन नंबर 18 पिले व्हिच अप्रोच स्ट्रेसेस ऑन इंडिविजुअलिटी ऑफ ए चाइल्ड आधर कौ अप्रोचटा उपागमटा इंडिविजुअलिटी गोटे पिलार तार व्यक्तित्व इंडिविजुअल बेस गुरुत्व आरोप कै आंसर पिले ये आप पिले ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच
कारण ये हूँ गोटे लर्नर सेंटेड बा पर्सन सेंटेड आप्रोच जो थे पर्सन यूनिकनेस को गुरुत्वारोप कराए ह्यूमन फ्री विल को गुरुत्वारोप कराए फ्रीडम दबा ऑटोनॉमी दबा जो जिनसा ऑलरेडी डिस्कशन कर सारी। क्वेश्चन नंबर 19 पे द कांसेप्ट ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इम्प्लाइज दैट फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन पे कौन इम्प्लाइज करुछि आंसर पे ऑप्शन 3 आपन पे करेक्ट आंसर लर्निंग शुड बी मैनेज्ड एंड मॉनिटर्ड कंटीन्यूअसली आपको मुझे एक्सटेनसन करूनी कारण फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आम ए रिसेंटली गोटे पूर्व क्वेश्चन में आपको एक्सटेंड करके आसी। क्वेश्चन नंबर 20 पे व्हाइल गिविंग रिटन फीडबैक इन असेसमेंट फॉर लर्निंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ जितेबले आपण पिलांकु असेसमेंट करुचंती से समय पिलांकु आपण रिटन फीडबैक प्रोवाइड करुचंती से समय आपण को भलिया कार्य करबा उचित। ऑप्शन बा एक नंबर पिला दैछि आई रे डोंट जंप स्ट्रेट टू एरर्स प्रेज फास्ट आपण प्रथम जाइ से कौन कौन भूल कर देखा अपेक्षा पिला प्रथम टी प्रेज करेंगे निश्चित भाव गोटे करेक्ट स्टेटमेंट एनकरेज द स्टूडेंट टू मेक ए करेक्शन पिला एनकरेज करवा जो भूल करेंगे से करेक्ट करवा से करेक्ट निजे करेंगे डोंट सिंपली राइट द करेक्ट आंसर स्पेलींग एंड सो ऑन आपण खाता जो देखुं फिडबैक जो दौरान निजे निजे करेक्शन करने अपेक्षा जहाँ से भूल लिखी लिखिदेव अपेक्षा पिला करेक्शन करने आप सुजोग देते निश्चित भाव दुटा आप ठीक आंसर पिले तो तेणुक आपसन कौन हम ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर बोथ आई एंड 2 आई ठीक है पिले ठीक है पिले भल से प्रिपेरेसन करूँ किसी इंपोर्टेंट पॉइंट भी आम डिस्कसन कले जमीक ह्यूमानिस्टिक आप्रोच आप बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कथा कहली भाइगोट सिंह प्राइवेट स्पीच कथा भी आम डिस्कसन कले फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स कौन कौन सब एडवांटेजेस रही आउ गोटे प्ले सीरीज पर 23 नंबर सीरीज पर आम कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन्स किसी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन को कवरअप करवा अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस ठीक है पे भले से प्रिपेरेसन करूँ ऑल द वेरी बेस्ट।